क्या बनना है आज? आज छोले भटूरे। आज बताना, पूरी वीडियो में रहना। आज छोले भटूरे बनाने जा रही हूँ मैं किचन में। अब देखना शुरू से एंड तक और सूस हटा। ये मैंने छोले, ये रहे छोले, ये रात मैंने भिगो दिए थे छोले और अभी भीग चुके हैं। अब मैं ये छोले धो के और ये कुकर में चढ़ाने जा रही हूँ, देखते रहना ठीक। धो लिया है मैंने और आपके सामने ये रहे छोले, मैं ऐड करने जा रही हूँ। ये रहे छोले और ये रहा गरम मसाला साबुत। ये रहा थोड़ा सा ही डालना मसाला, गरम मसाला डालेगा। ये तेजपाल के पत्ते हैं ठीक है, और ये नमक है। नमक कितनी चम्मच? एक चम्मच। वो अपने ऊपर कितना डालना कितना डालना। और ये हल्का सा, हल्की सी ये चाय की पत्ती गिरनी है कलर आने की वजह से। और देखना मेरे छोले कैसे बनते हैं। अब इसकी गांठ लगा के रुक जा रही हूँ। इसमें बनानी है तो ऐसे करके, ये रही छोटी सी पोटली ऐसे चाय की पत्ती, और बांध के ऐसे डालनी है छोलों में ये रही ठीक है। और ये क्या है? सोडा, हल्का सा सोडा डालना है ये रहा ठीक है। ये ऐड करना है इसमें, ये फिल्टर का पानी डालनी है क्योंकि इससे जल्दी बनते हैं छोले। बस लगा दिया और ये गैस खोल दिए और ये चढ़ा दिए हैं मैंने छोले। एक सीटी लगा कर स्लो पे छोड़ दो इन्हें आधे घंटे, बस इन्हें अभी पकने दो ठीक है। अभी मैंने ये उबालने रख दिए हैं, अभी उबलेंगे, उबल जाएंगे जब पकेंगे ये। अभी आधे घंटे उबलेंगे ये छोले। ये रहा मैदा और ये 1 किलो मैदा है, मैं आधे के कुलचे बनाने जा रही हूँ। ये छाने की मैदा, भटूरे मैदा के बनते हैं? हाँ इसी के बनते हैं मैदे। आटे के नहीं बनते? नहीं आटे के नहीं बनते हैं मैदे, मैदे के ही बनते हैं भटूरे। देखते रहना ठीक है। ये रहा मैदा और इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही कितनी डालनी है? ये डालनी है इतनी, ले लो आधी कटोरी, 50 ग्राम दही रख लो। और ये रही सूजी, इतनी सूजी डालनी है, ये आधी चम्मच सोडा इसमें डलता है सोडा? हाँ छोले में भी डाला था इसमें। हाँ और ये रहा नमक 1 चम्मच। ये तैयार हो गया, अब इसे अच्छे से मिला लो ठीक है। अगर भटूरे बनाने हैं आपको तो इसमें सूजी और ये सोडा और दही ये जरूर देनी है, डाल के इसे मिक्स कर दो और हल्का सा घूम लो ये रही। और आप देखना ये भटूरे कैसे बनते हैं जैसे रेस्टोरेंट से आए। अभी आटा हो चुका है, अभी आटा 1 घंटे रखना उसमें, ये रख ये फूल जाएगा 1 घंटे में ठीक है। ये ऐसे फूल जाएगा ये, और हल्का सा इससे ये ऐसे करके तेल लगाना हल्का सा, तेल रिफाइंड हल्का सा, ये फूल जाएगा। अभी हाथ के हाथ नहीं बना सकते, अभी 1 घंटे छोड़ना है ये ठीक है। हाथ के हाथ नहीं बना सकते? नहीं 1 घंटे बाद बनाने हैं। अब ये पेड़ बनाएंगे फिर ये कुलचे बनाएंगे, फूल जाएगा 1 घंटे में। ऐसे छोड़ दो 1 घंटे, ये फिल कर दो 1 घंटे, अरे 1 घंटे बाद देखना ठीक है। गए होंगे देखती हूँ मैं ना, देखना देखिए ये छोले मेरे उबल चुके हैं और देखो ऐसे होने चाहिए। ये देखो ये रहे
ठीक है, ये उंगली से ही यहीं फूट जा, ये रहे। ठीक है, हाथ भी चल का, बस ऐसे फूकने चाहिए ऐसे। ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस जला के, ठीक है। अब मैं छोंकने जा रही हूँ, पकाने छोंकने जा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें से ये सब निकाल देना, ये तेजपाल के पत्ते और ये गरम मसाला अलग निकालना है, ये निकाल देना। इसमें जो भी है सब निकलेगा, ये बीन बीन के सब निकाल देना ये। अब ये कढ़ाई हो चुकी है और ये तेल मैं डाल रही हूँ इसमें। हल्दी आधा चम्मच, एक चम्मच मिर्च ले रही, और ये डालना है दो चम्मच धनिया, ये रहा धनिया, ये डाल दिया है। और इसकी भुनाई करनी है अच्छे से, जितनी भुनाई हो सके उतनी भुनाई करो इसकी, ये भुन जाए, इसमें स्मेल निकलती है ना, इसमें स्मेल निकल जाए और ये भुन जाए जब ये छोले ऐड होंगे इसमें। और ये रहा धनिया जो मैंने काट लिया पहले धो के, और एक मिर्च, बस एक मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला छोले पकने के बाद डालेगा बाद में, और ये धनिया भी। अभी ये इतने छोले थोड़े से इधर निकाल लो, और इसे थोड़े से बारीक कर लेना, इसे कटोरी से इसे हल्के से क्रस कर लेना, हल्के से, ये थोड़े से इसमें, ज़्यादा नहीं, बस। इससे क्या होगा? इससे गाढ़ा शुरू होता है इसका, बस इतने ही, थोड़ी सी गाढ़े अच्छे हो जाते हैं, ऐसे ही बनाती हूँ। ये भून चुका था मसाला, ये रहा। अब मैं ये डालने जा रही हूँ इसके अंदर, चलो। ये रहा, और ये पानी ऐड करना है, कितना पानी डालना है, ये रहा बस। अब ये रेडी है, बस थोड़े से पकने हैं, दो चार मिनट तैयार। और धनिया डालना, गरम मसाला डालना, बस इन्हें दम पर रहने दो। है नहीं, बस 5 मिनट पका ले, दम के नहीं, 5 मिनट पका ले। मिलते हैं 5 मिनट बनाने जा रही। हो चुका है देखो, ऐसा फूल गया है, ये आटा आधे घंटे। और ये रहे इसके पेड़े बना बना के, ये रहे ऐसे बना के 5 मिनट तक, 5 मिनट रख दो पेड़े बना के, ये रहे ऐसे पेड़े बना के ऐसे रख दो 5 मिनट के लिए। और जब वो जाओ 5 मिनट, जब सेकना, जब देखना भटूरे ऐसे आएंगे फूले फूले, देखना करारे करारे, जैसे रेस्टोरेंट से खा रहे हैं मंगा के, ये रहे 5 मिनट बाद सेकना इन्हें। देखो 5 मिनट हो गए हैं, अब ये छोले मेरे पक चुके हैं। अब इसमें ये धनिया डालने जा रही हूँ, धनिया मैंने पहले ही काट के धो के साफ कर लिया, ये रहा धनिया। और ये क्या है? ये है हल्का सा गरम मसाला। ये रेडी हो गए हैं छोले मेरे, गैस बंद कर दी, ये रही। अब मैं छोले पक गए और ये भटूरे सेकने जा रही हूँ, ठीक है। तेल गरम हो चुका, अब ये भटूरे मैं बना के डालने जा रही हूँ। ये ऐसे ही बनते हैं, अभी इतना बड़ा के और ये हाथों की मदद करनी है ऐसा। अगर भटूरे डालो तो तेल गरम होना चाहिए, बिल्कुल तेल हो बिल्कुल गरम। देखो भटूरे मेरे का सहारा लेना, ये लेके और ऐसे छोड़ना है,
देखिए मेरा भटूरा कैसे फूल रहा है, ऐसे होने चाहिए फूले फूले। देखिए मेरे भटूरे बन चुके हैं, देखो ये ऐसे, ये रहे देखो कैसे टूट रहे हैं ये। और आज मैं ही खा रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा नमाज़ पढ़ने गया, अभी आया नहीं है, अकेले ही काम चला लूँ। बताना कैसे लगे।